खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां पर उलेमा काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष ने खुद की पशु तस्करी में लिप्त होने की बात स्वीकारी है। इतना ही नहीं, इस नेता का तो ये भी कहना है कि उसकी गाड़ियां सपा सरकार में भी चलती थी और योगी सरकार में भी पशु तस्करी में चल रही है, लेकिन इस समय हुटहन थाना क्षेत्र से न चलने की बजाय कहीं और से चल रही है। जिले का सबसे बड़ा पशु तस्करी का केंद्र हुटहन ही रहा है, लेकिन हुटहन थानाध्यक्ष शिवशंकर सिंह के आते ही पशु तस्करी पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान से पशु तस्करों में हड़कंप मच गया है। मुखबिर को सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस से उलेमा काउंसिल का प्रदेश उपाध्यक्ष किस तरह से उलझकर अपनी दबंगई अपने मुंह से स्वीकार रहा है, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रदेश उपाध्यक्ष शहाबुद्दीन के घर पटियाला खुटहिन छापा मारने पहुंची पुलिस से बदतमीजी से बात करता शहाबुद्दीन है, जिसे जरा सा भी पुलिस का भय नहीं है, खुले आम पुलिस को देख लेने की धमकी दे रहा है। हाँ, ये बात संज्ञान में आई है। दरअसल सागरन तहसील क्षेत्र में पशु तस्करी पहले से चलती रही है। इस समय पुलिस ने काफ़ी दबाव बना लिया है, जिसे लोग छटपटा रहे हैं। अगर कोई काम नियम विरुद्ध हो रहा है तो उस पर तो इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यदि कोई नियम के हिसाब से हो रहा है तो उस पर ज़बरदस्ती पुलिस कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगी, जिससे किसी का उत्पीड़न हो। जो पुलिस को चुनौती दिया खुले आम उस नेता ने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? नहीं, मैंने वो वीडियो देखा है, चुनौती नहीं है, पुलिस उसको बता रही है कि अगर आप नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई करोगे तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कई पीढ़ी तक याद रखोगे। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? कार्रवाई कई लोगों के खिलाफ हुई है, रोज हो रही है वहाँ पे, और एक आध हफ्ते में जितने तस्कर हैं सब बंद हो जाएंगे भीतर जो है।